मथुरा के जवारबाग में 2 जून 2016 को अवैध कब्जाधारियों हटाया गया था, जिसमें 2 अधिकारी शहीद हो गए। गुरुवार को जवारबाग की 6वीं बरसी पर मथुरा के तत्कालीन एसपी सिटी रहे मुकुल द्विवेदी की धर्मपत्नी अर्चना द्विवेदी जवारबाग पहुंची, जहां उन्होंने शहीद मुकुल द्विवेदी अपने पति को श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस दौरान उनके साथ उनकी बहन वंदना पांडे भी साथ रहीं। इस दौरान यूनियस से हुई बातचीत में उन्होंने कहा कि जवारबाग कांड से मेरे पति शहीद हुए, शहीद होने के 6 साल बाद भी उन्हें न्याय नहीं मिला, ना ही दोषियों को कड़ी सजा मिली है और ना ही जवारबाग में स्मारक स्थल बना है। सुनिए शहीद मुकुल द्विवेदी की धर्मपत्नी अर्चना द्विवेदी ने निराशाजनक भाषा में क्या कुछ कहा। इस वक्त हम मौजूद हैं जवारबाग में। जवारबाग जो कि मथुरा के इतिहास में एक काला अध्याय, 2 जून 2016 को वो घटना हुई जिसमें तत्कालीन एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी साहब और एसएचओ संतोष यादव की मौत हो गई, यानी कि वो शहीद हो गए। 6वीं वर्षी है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तत्कालीन एसपी सिटी और शहीद मुकुल द्विवेदी साहब की धर्मपत्नी, जो कि आज उन्हें श्रद्धांजलि देने यहाँ पहुँची हैं। मैडम, 6 साल हो गए अभी तक जवारबाग की कार्रवाई से आप कितनी संतुष्ट हैं? क्या आपको सही मायने में अभी तक न्याय मिल पाया है? बिल्कुल नहीं, मैं व्यक्ति भर भी संतुष्ट नहीं हूँ और कोई न्याय नहीं मिला है। ना सीबीआई जांच जरा भी आगे बढ़ी है। इस जवारबाग पर जो इतने दिनों तक लोगों ने कब्जा रखा, जिसको हटाने के कारण मेरे पति की ने अपनी शहादत दी, कौन लोग थे वो, किसका इसमें योगदान था जिससे इतने साल तक कब्जा रहा, उस पर कोई खुलासा नहीं हुआ है। पहले तो सरकार बहुत बड़ी बड़ी बात कर रही थी, लेकिन अब आने के बाद उसने इस दिशा में कोई काम नहीं किया है। ना ही शहीदों को सम्मान देने का कोई उन्होंने काम किया है, ना यहाँ पे स्मृति स्थल बनाने का काम किया है, ना प्रतिमा लगवाई है, ना जवारबाग का नामकरण किया है, और ना ही सीबीआई जांच को आगे करने में कोई भी अपना योगदान दिया है। सीबीआई ने रिपोर्ट सौंप दी है, कई बार कोर्ट में दाखिल की थी, लेकिन नहीं, पर इस घटना की जांच की 2 टीमें बनाई थी। मुझे तो नहीं लगता कोई, पर मुझे तो नहीं ऐसा कुछ पता है कि इसकी पूरी रिपोर्ट आ गई है, ना मीडिया में ऐसा कुछ आया है। आपको कोई उम्मीद नहीं है? अब 6 साल बीत गए, बताइए उम्मीद कितने साल तक और मैं करती रहूं? कोई उम्मीद लग तो नहीं रही। भी मुकुल द्विवेदी साहब की प्रतिमा के लिए अपना प्रस्ताव कैबिनेट में पास किया था मथुरा में नवनगर बीच में। एक बार मैंने ये भी सुना था कि कोई चौराहों के नामकरण किए जाएंगे फेसबुक पे या किसी पे, मुझे ये भी, वो भी तो मुझे यहाँ पे, क्या किए गए हैं कोई नामकरण? अभी नहीं, नहीं किए गए। वो कितने साल पहले की घोषणा है? तो घोषणा ही है, वो हवा में ही रहती है, धरातल पे तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। क्या आप सरकार की कार्यशैली संतुष्ट नहीं है या सिस्टम की कार्यशैली से संतुष्ट नहीं है कि जो शहीद हुए और शहीद के नाम पर यहाँ स्मारक बनना था, दोषियों को सजा मिलनी थी, तो क्या लग रहा है आपको? करना तो सरकार को ही है, सरकार की इच्छा शक्ति होगी तो कुछ भी हो सकता है, चुटकियों में काम हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे वो चीज़ दिख नहीं रही है। एक जो सबसे बड़ी मांग है इस समय, आपको भी संतुष्टि होगी कि उनकी प्रतिमा यहाँ लगे शहीद के रूप में, क्या उम्मीद आपको लग रही है? मांग थी और शुरुआत में मुझे काफ़ी उम्मीद दी थी विधायक मंत्री जी, हमारे ऊर्जा मंत्री जी जो थे, लेकिन अब तो वो फाइल वापस आ गई है, निरस्त कर दिया गया उसको। सरकार से, सीएम साहब से क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार से गुहार लगा रही हूँ और प्रार्थना कर रही हूँ कि कम से कम मेरे पति की शहादत को सम्मान दें और मथुरा के जनता की आवाज़ को भी सम्मान दें और यहाँ पर शहीदों के लिए शहादत स्थल बने। धन्यवाद। आपने देखा किस तरह से हमारे साथ रहे शहीद मुकुल द्विवेदी, यानी कि तत्कालीन एसपी सिटी रहे मथुरा के, जो कि जवारबाग में शहीद हो गए थे, उनकी धर्मपत्नी अर्चना द्विवेदी, जो कि आज 6वीं वर्षी पर श्रद्धांजलि देने जवारबाग में आई। उन्होंने कहा है कि अभी तक की इस पूरे मामले की जाँच को लेकर वो संतुष्ट नहीं है। मुकुल द्विवेदी साहब की यहाँ प्रतिमा लगनी थी, शहीद स्थल बनना था, लेकिन यहाँ अभी तक कुछ नहीं बन पाया, नहीं उनकी प्रतिमा लगी है। उन्होंने कहा है कि वो फिर एक बार सरकार से, सीएम साहब से मांग करती हैं कि मुकुल द्विवेदी जो शहीद हुए हैं उनकी शहादत स्थल यहाँ पर बनाया जाए, उनकी प्रतिमा लगाई जाए, कम से कम उनको इतनी संतुष्टि हो और एक शहीद के रूप में उन्हें सम्मान मिल सके। निष्का पर्सन पीके दुबे के साथ गोविंद भारद्वाज।